खनन की रोक के बावजूद खनन माफिया दिन रात अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं और खनन विभाग हाथ में हाथ रखे बैठा है। मामला हमीरपुर जिले का है। मिट्टी का अवैध खनन कर करोड़ों रुपए के ब्यारे न्यारे कर रहे हैं। यहां से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी रोजाना निकलकर बेची जाती है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर और मौदा थाना क्षेत्र में इन दोनों खनन माफिया दिन रात मिट्टी के अवैध खनन में लगे हैं। खेतों में मिट्टी के पहाड़ों में मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है। इस खनन में कई सफेदपोश नेता शामिल हैं, जो पिछले कई दिनों में सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी निकालकर बिना खनिज विभाग की रॉयल्टी बिना बेच रहे हैं। मिट्टी के इस खनन में कई तालाबों को भी नष्ट नाबूद कर दिया है। जिला प्रशासन को इस खनन की जानकारी हुई तो उन्होंने मोदा में हो रहे मिट्टी के अवैध खनन को रुकवाते एक मशीन को कब्जे में लेकर कार्रवाई भी कर डाली, लेकिन इससे बावजूद सुमेरपुर थाना क्षेत्र में ये खनन माफिया खनन कर करोड़ों रुपए खनन विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। खनन करके मिट्टी निकालना चाह रहे थे लोकल काम के लिए, तो वहाँ एक JCB और ट्रैक्टर की शिकायत हुई, तो जिसपे SDM साहब ने पकड़ लिया और आगे ये कार्रवाई वैसे ही। 100 के लिए सिर्फ सैलरी।